हमें अपने कलंचों के प्लांट के लिए मिट्टी किस प्रकार तैयार करनी है, कैसे इस पौधे को हमें अपने नर्सरी से लाके बड़े पॉट में सेलेक्ट करना है, शिफ्ट करना है, और फिर उसकी पूरी केयर फ्लावरिंग से लेके कलियां बनने से लेके फ्लावरिंग की स्टेज तक पूरी की डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कलांचों के पौधे के लिए मिट्टी कैसे तैयार करें और नर्सरी से लाके हम इसे किस साइज के पॉट में शिफ्ट करें, किस तरीके से शिफ्ट करें और कौन सी लिक्विड फर्टिलाइज़र या कौन सी फर्टिलाइज़र हम इस पौधे में दें कि हमें ढेर सारी फ्लावरिंग इस पौधे से मिले। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहें। तो आइए दोस्तों पहले हम देखते हैं कि मिट्टी हमें किस प्रकार की बनानी चाहिए कलांचों के पौधों के लिए। दोस्तों ये जो पौधा है हमारा, इसको वाटर ज़्यादा पसंद नहीं है, एक तरह से सकुलेंट प्लांट आप इसको मान लीजिए। तो इस पौधे को बहुत ज़्यादा वाटर पसंद नहीं है, तो इसकी मिट्टी जो हमें बनानी है वो ऐसी बनानी है जो ड्राई ही रहे, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करके ना रखे। तो मैं जो मिट्टी बनाता हूँ अपने पौधों के लिए वो दोस्तों आप ले लीजिए 40% गार्डन सॉइल नॉर्मल, 20% राइस हस्क जो कि फास्फोरस बहुत ही अच्छी तरीके से रिलीज करता है, काफ़ी प्रचुर मात्रा में होती है और बाद में ये डिकम्पोज होके कंपोस्ट भी बन जाता है, तो ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसके अलावा दोस्तों आप ले लीजिए 20% काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, 10% रेत ले लीजिए, बाकी के बचे हुए 10% में आप नीम खली, बोन मील और आप चाहें तो सरसों खली भी ले सकते हैं और सीवेट ग्रैनुल्स भी आप यूज करना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें अपने कलांचों के पौधे में मिट्टी बनाने के लिए यूज करनी है। तो मैं इनकी मिट्टी बना रहा हूँ, अपने पौधे को शिफ्ट भी करेंगे और जो मेरे पुराने पौधे हैं उनको मैं दिखाऊंगा भी आपको कि मैं कौन से फर्टिलाइज़र देता हूँ उनमें कि मुझे ढेर सारे फ्लावरिंग मिलती है। दोस्तों कलांचों का पौधा शेडेड एरिया में ज़्यादा अच्छे से ग्रो होता है, तो आप उसको दिन भर धूप मत दिखाइए। कलांचों के पौधों के लिए सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके बाद उसे शेडेड एरिया में रखना होता है और जितना ज़्यादा 1-2 घंटे की धूप देखने के बाद जितना ज़्यादा पौधे को अंधेरे में आप रखोगे, जितना ज़्यादा अंधेरा मिलेगा उस पौधे को उसमें फ्लावरिंग आपको उतनी ही अच्छी मिलेगी। तो ये देखिए दोस्तों मैं मिट्टी मिला ले रहा हूँ। दोस्तों ये हमारी मिट्टी रेडी हो गई है, तो हम अपनी मिट्टी को अब बात करते हैं कि हमें कलंचों के पौधों को लगाने के लिए गमले का साइज़ क्या चाहिए। दोस्तों बहुत बड़ी साइज़ का गमला हमें नहीं चाहिए होता है कलंचों के पौधों के लिए, तो आप 7 से 8 इंच का गमला अगर आपके पास है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। अगर मिट्टी का पॉट है तो ज़्यादा अच्छा है, अगर मिट्टी का नहीं भी है आपके पास तो आप प्लास्टिक पॉट यूज कर सकते हैं। इसके ड्रेनेज होल को इस प्रकार किसी पत्थर की मदद से ढक दीजिए और फिर इसमें हम मिट्टी भर लेंगे। ये देखिए दोस्तों जब हम नर्सरी से कलांचों का पौधा लेके आते हैं तो ये छोटे इस प्रकार छोटे पॉट्स में नर्सरी वाले लगा के देते हैं, तो हमें इन्हें इस बड़े पॉट में शिफ्ट कर लेना है। तो मैं इसको शिफ्ट करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। इसे हमें दोस्तों इस प्रकार हल्के हाथों से प्रेस करना है पॉट्स को और फिर ये उल्टा करके ज़रा सी हम इधर ठोकेंगे, ये पौधा हमारा पूरा हाथ में आ गया। ये देखिए इसमें कोई एक छोटा मोटा कीड़ा लगा हुआ है तो आपको देख लेना है ऐसा कुछ ना रहे, और इसकी जो रूट्स की मिट्टी लगी हुई है इसको हल्का हल्का करके हमें थोड़ी थोड़ी हाथ से रिमूव कर लेना है ताकि जो रूट्स हैं वो निकल जाएं और जो हमारी दूसरी सॉइल मीडिया जो हमने तैयार की है उसमें वो रूट्स अपनी पकड़ बना पाएँ और डेवलप अच्छे से हो पाएँ। तो हल्के हल्के हाथों से हमें इसे हल्का रिमूव करना है, अच्छे से पूरी रूट से मिट्टी नहीं हटानी है, तो जितनी आप हल्के हाथों से हटा पाएँ उतनी ही हटा के आप इस पौधे को फिर हमने जो मिट्टी भरी है गमले में इसमें इस प्रकार लगा देना है। उसको बहुत गहरे में नहीं लगाना है,
क्योंकि जब हम मिट्टी डालेंगे तो सॉरी जब वाटरिंग करेंगे हम लगाने के बाद, तो हमारे पौधे की जो पत्तियां हैं वो वाटर के टच में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कलांचो का पौधा जो होता है ये पानी की ज़्यादा संपर्क में रहने से पत्तियां इसकी ख़राब होने लग जाती हैं, और जब एक बार पत्तियों में फंगस आएगा, पत्तियां ख़राब होंगी, तो हमारा पौधा भी ख़राब हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए हमने भर लिया है अपने पॉट को, इसको हल्के हाथों से हमने दबा दिया है, मिला देंगे। दोस्तों जब फर्स्ट टाइम हम पॉट बना रहे होते हैं, पौधे को नया नया लगा रहे होते हैं, उसी टाइम पे हमें इसमें कंपोस्टिंग की खास ज़रूरत होती है, तो हमने वर्मी कंपोस्ट बोन मील दे दिया है। अब इसमें हमें हल्की वाटरिंग कर देनी है अभी, और वाटरिंग करके इस पौधे को शेडेड एरिया में छोड़ देना है। अब आइए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ अपने पुराने लगे पौधों में, जिनमें कि फ्लॉरिंग भी हो रही है, तो मैं उसमें आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कंपोस्टिंग करता हूँ पौधे को लगा देने के बाद, कैसे उसमें ढेर सारे फूल मुझे मिलते हैं। तो दोस्तों ये मेरे कुछ कलांचो के प्लांट्स जो लगा रखे हैं मैंने पहले से, और इनमें ढेर सारी फ्लॉरिंग्स भी आ रही हैं। तो ये ऑरेंज कलर का है आप देख पा रहे हैं, ये कुछ रेड कलर का, और ये मेरा पिंक कलर का कलांचो का प्लांट है। दोस्तों कलंचों के प्लांट में जब हम इन्हें शिफ्ट कर देते हैं नर्सरी से लाके, उसके बाद इसमें जो केयर करने की चीज़ होती है, जब भी हम वाटरिंग करें तो हमें ये खास ख्याल रखना होता है कि वाटरिंग हम कुछ पौधों पे, जैसे हम अपने नॉर्मल पौधों पे करते हैं तो पत्तियों पे फूलों पे पानी पड़ता है, फिर गमलों में भी आ जाता है, पर कलंचों के प्लांट में हमें क्या करना है, वाटरिंग करनी है नीचे से, हमें बचा के रखना है पत्तों पे, ज़्यादा पानी ना पड़े, क्योंकि ज़्यादा पानी के संपर्क में आने से इनके पत्ते ख़राब होने लगते हैं। तो हमें जब भी वाटरिंग करनी है तो हमें यहाँ नीचे करनी है, और हल्की वाटरिंग करनी है, ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है। तो और दोस्तों दूसरी चीज़ कि इन्हें हमें सुबह की एक दो घंटे की धूप दिखाने के बाद इन्हें शेडेड एरिया में रखें, और जितना अंधेरा इस प्लांट को मिलेगा, आप जितना अंधेरा इस प्लांट को देंगे उतना ज़्यादा आपका पौधा फलेगा और फूलेगा। तो दोस्तों ये वाटरिंग हो गई। कंपोस्टिंग की बात करें तो आप इसमें ड्राई कंपोस्ट में आप महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट जरूर दें, उसके अलावा इस पौधे को कंपोस्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप लिक्विड कंपोस्ट दें इसको, वो ज़्यादा ज़रूरी है। लिक्विड कंपोस्ट में आप फलों के छिलकों से बने हुए कंपोस्ट या सब्जियों के छिलकों से बने हुए कंपोस्ट आप जो होममेड बनाते हैं वो दें, या सरसों खली से बने हुए कंपोस्ट वो दें आप। तो ये कुछ कंपोस्ट हैं जो आप अपने पौधों को दे सकते हैं। आप प्याज के छिलके से बने हुए कंपोस्ट को इसमें दें, बहुत ही अच्छा फ्लोरिंग पर्पज़ के लिए यूज होता है। आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं प्याज के छिलके से लिक्विड कंपोस्ट कैसे बनाएं। आपको सभी गमलों में बहुत ज़्यादा कंपोस्टिंग नहीं करनी है। ये देखिए ये मेरा सरसों का खली कंपोस्ट है, लिक्विड कंपोस्ट, तो इसे आपको एक मग मैंने ले लिया, और मैं अपने सभी गमलों में थोड़ा थोड़ा इन्हें डाल दूंगा। तो इस प्रकार आप कंपोस्टिंग कीजिए, और रात के टाइम पे, अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो इसे खुले में ना रखें, क्योंकि फिर वो कोहरा गिरता है, ओस गिरती है, और उससे इनकी पत्तियां ख़राब होती हैं, नमी बहुत ज़्यादा बनती है। तो इन्हें शेडेड एरिया में रखें, फिर आप इसमें बहुत ढेर सारे फूल आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।